बिल्कुल साफ है, संकट की जड़ देहरादून में नहीं है। संकट की जड़ जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है जी, मुझे लगता है कि उसे हिमालय राज्यों से ज्यादा ही प्यारा हो रहा है। मोदी की सरकार आते ही 11 हिमालयी राज्यों का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था, आर्थिक रूप से हमको पंगु बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की चुनी हुई सरकार को जो एकदम साफ जिसका बहुमत था, स्पष्ट था, उसको बीजेपी ने मोदी सरकार ने अस्थिर करने की कोशिश की, षड्यंत्र के तहत उस सरकार को गिराया गया और उसके बाद आज वो उत्तराखंड में फिर वही कोशिश कर रही है। थैली के द्वारा, धनबल के द्वारा, बाहुबल के द्वारा जी, आखिर क्या कारण है कि विधानसभा की बजट सत्र पास होता ही बिल पास हो जाता है, बाहर एक बस खड़ी होती है जिसमें बीजेपी के विधायक और 9 तथाकथित कांग्रेस के विधायक गवर्नर साहब के वहां चल देते हैं। एयरपोर्ट में चार्टर विमान आता है, एक केंद्रीय मंत्री आते हैं जी, वो उनको ले जाके उड़ जाते हैं। 3 दिन से देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के राष्ट्रीय नेता देहरादून में डेरा डालते हैं, थैलियां लाते हैं। हमारे विधायकों ने खुद कहा कि 5 करोड़ से लगे आगे तक की ऑफर दी गई है। तो ये लोकतंत्र का एक नया तरीका है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों को इनकाउंटर के माध्यम, क्योंकि केंद्रीय सरकार इस माध्यम में एक्सपर्ट है, तो लोकतंत्र में राज्यों को आप इनकाउंटर के द्वारा मारने का ये नया खेल इस देश में चल रहा है। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि हरीश रावत सरकार ड्रामेबाज सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, और एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से उनके अपने लोग ही बगावत पर उतर आए हैं। हरक सिंह रावत साहब को भी आपने सुना होगा, आप लोग की पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि धनबल का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जमकर खरीद फरोख्त की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये आरोप तो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं हरक सिंह रावत, उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, हरक सिंह जी ने खुद विधानसभा में अपने बजट कृषि मंत्रालय का बजट प्रस्तुत किया, सरकार की तारीफ की, मुख्यमंत्री की नीतियों की तारीफ की। अब क्या हो गया प्रदीप टमटा जी, अचानक ये हृदय परिवर्तन के पीछे वजह आपको समझ में आ रही है? कुछ तो आकलन किया होगा ना आपकी पार्टी ने? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब हरक सिंह जी को अगर सरकार से अविश्वास हो गया था, अगर सरकार जन विरोधी थी, तो उन्होंने मंत्रिमंडल से पहले की इस्तीफा नहीं दिया। वो उनके साथ ही लोग विधानसभा अध्यक्ष से कह सकते थे कि हमकारा सरकार पर विश्वास नहीं दिया, हमको अलग गुट दिया गया, मैं की जगह दी जाए, राज्यपाल से कह सकते थे। पूरा बजट सत्र आराम से चला, अपने विभाग का बजट पास किया, सारे विभागों का बजट ध्वनिमत से पास हुआ, विनियोग बिल पास हुआ, और उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही जब स्थगित हो गई तो आप बीजेपी के विधायकों के साथ जाकर के वेल में बैठ गए। उसके बाद आप गवर्नर के पास जा रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको सरकार से तो ये असंतोष होगा ना किसी बात को लेकर, प्रदीप टमटा जी आपने इस्तीफा दिया।